मीडिया बंद हो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद देश में खासकर गरीबों, मजलूमों व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा मान्यवर श्री कांशी राम जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के उत्थान व स्वाभिमान के लिए समर्पित की है, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इनके आदर सम्मान में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 13A Mall Avenue लखनऊ में मान्यवर श्री कांशी राम जी यादगार विश्राम स्थल स्थापित किया गया तथा उसके उपरांत कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सरकारी आदेश दिनांक 13/1/2011 के द्वारा इस पूर्ण परिसर को जनमानस के लिए लोकार्पित किया गया। हालांकि सभी को विदित है कि मान्यवर श्री कांशी राम जी उत्तर प्रदेश से लोकसभा व राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं तथा वर्ष 1995 के बाद अपने जीवन काल में आवास संख्या 13A Mall Avenue लखनऊ, जो कि मुझे मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री के रहते हुए भी नियम अनुसार आवंटित रहा है, आपको ये भी अवगत कराना है कि मान्यवर श्री कांशी राम जी पार्टी के कार्यों से लखनऊ आने के दौरान इसी परिसर में ठहरते थे, जिसकी वजह से उनका इससे अर्थात 13A Mall Avenue से काफ़ी लगाव हो गया था, जिससे फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके आदर सम्मान में ही मान्यवर श्री कांशी राम जी यादगार विश्राम स्थल में परिवर्तित कर दिया गया। इसी परिसर के एक थोड़े से भाग में मैं यहाँ ठहरती थी, जैसा कि सरकारी आदेश दिनांक 13/1/2011 में दर्शाया गया भी है, और इसी कारणवश मुझे बंगला नंबर 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग लखनऊ भी आवंटित किया गया था, जिस बंगले को मैंने दिनांक 19/5/2018 को ही खाली कर दिया है और स्पीड पोस्ट द्वारा इसका पजेशन भी चाबी सहित सरकार को दे दिया है। इसके साथ ही 13A Mall Avenue लखनऊ का वो भाग जिसमें मैं ठहरती रही हूँ, उसको आज मैं दिनांक 2 जून 2018 को खाली कर रही हूँ तथा शासन आदेश दिनांक 13/1/2011 के तहत अब ये भाग भी खाली होने पर मान्यवर श्री कांशी राम जी यादगार विश्राम स्थल का ही भाग कहलाएगा। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के अनुसार इस स्थल के आवासीय भाग जिसमें मैं रहती थी उसको छोड़ने के उपरांत संपूर्ण बंगला नंबर 13A Mall Avenue जो मान्यवर श्री कांशी राम जी यादगार स्थल है, उसके रख रखाव व सुरक्षा आदि की वर्तमान प्रदेश सरकार का पूरे तौर से सही व उचित व्यवस्था किए जाने का दायित्व है। जैसा कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आदेश दिनांक 13/1/2011 में निर्देशित है, जिसकी प्रतिलिपि मीडिया बंधुओं को भी दी जा चुकी है, क्योंकि इस स्थल की सुरक्षा व रख रखाव आदि अभी तक अधिकांश मेरी सुरक्षा व रख रखाव में लगे मेरे कर्मी ही करते रहे हैं, जो कि अब मेरे प्राइवेट निवास पर चले जाएंगे। यहाँ पर आए मीडिया बंधुओं, वैसे तो आप सभी लोग इस प्रांगण में अनेकों बार आ चुके हैं, परंतु फिर भी मैं आज आप सभी लोगों से यह अनुरोध करूँगी कि आप इस पूरे परिसर का भ्रमण मेरे साथ जरूर करें। पूरा परिसर मैं आज आपको दिखाऊंगी, अंदर भी और बाहर भी। क्या आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगी कि आज आप इस पूरे परिसर का भ्रमण मेरे साथ जरूर करें तथा इसकी फोटोग्राफी भी करें तथा इस बंगले के अंदर चलकर उस आवासीय भाग को भी जरूर देखें जिसमें मैं अभी तक रहती थी। अभी तो मैं आज जा रही हूँ अपने प्राइवेट बंगले में, और इस स्थल में घूमने के उपरांत आप स्वयं ये देखेंगे कि इस परिसर में मुख्य तौर पर मान्यवर श्री कांशीराम जी विश्राम कक्ष, लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, रसोई एवं जलपान कक्ष
तथा मीटिंग रूम स्थल की व्यवस्था हेतु कई स्टोर व प्रतीक्षा रूम तथा सफाई व रखरखाव कर्मी रूम, सुश्री मायावती जी विश्राम कक्ष, मुख्य रसोई व भोजनालय कक्ष तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी के मुख्य परिसर में स्थित म्यूरल स्थल भाग एक जो मेरे पीछे है एकदम बिल्कुल, व इसके भीतरी दीर्घा में स्थित म्यूरल भाग दो तथा पीछे बरामदे में लगे दो म्यूरल, कई छोटी बैठ के जनरेटर, जनरेटर रूम, लिफ्ट स्थल व उसके बगल में नीचे मान्यवर श्री कांशीराम जी विशाल स्मृति हाल संग्रहालय व ऊपरी भाग में मीटिंग हॉल तथा इसके खुले परिसर में पांच अलग भागों में स्थित ग्रीन स्थल, पेड़ पौधे, स्वागत कक्ष व कई कंट्रोल रूम आदि स्थित हैं। इसके साथ ही इस स्थल के खुले परिसर में मान्यवर श्री कांशीराम जी की भव्य व विशाल खड़ी प्रतिमा लगी है और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में उनकी वसीयत के मुताबिक मेरी भी प्रतिमा उनके साथ में लगी हुई है। इसके साथ साथ यह इस परिसर में एक तरफ बारादरी व दर्शक सुविधा स्थल बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ हाथियों की गैलरी व पीछे कई विशाल फुहारे भी चालू हालत में हैं। इसकी सुरक्षा के लिए कई संतरी पोस्ट व वीआईपी के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग एवं बुजुर्गों व विकलांग आदि के लिए दो घुमाने वाली सरकारी गाड़ी की भी व्यवस्था है। सुरक्षा कर्मियों हेतु अंडरग्राउंड में व उसके ऊपर कमरों की भी उचित व्यवस्था की गई है। और अब मैं यहाँ मीडिया के लोगों को ये भी जरूर कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से अखबार एवं टीवी चैनलों आदि में कुछ लोग बराबर ये खबर दिखा रहे हैं कि मायावती बंगला नंबर तेरह ए माल एवेन्यू खाली नहीं कर रही है, जबकि इस संबंध में आप सभी को मालूम है कि नोटिस मिलने के बाद से 15 दिनों का समय बंगला खाली करने के लिए दिया गया था जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं ये उम्मीद करती थी कि मीडिया के लोग कुछ भी लिखने या दिखाने से पहले कम से कम 15 दिन खत्म होने तक इसका ज़रूर इंतज़ार करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि मीडिया के ऊपर बड़ा दबाव डाला गया होगा कि ऐसा लिखें व दिखाएं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। खास तौर से ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में फूलपुर और गोरखपुर के बाद अब कैराना व नूरपुर में भी बीजेपी के जबरदस्त करारी हार हो गई है। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हुए हैं वहाँ बीजेपी को इस देश की दुखी व पीड़ित जनता ने सही रास्ता दिखा दिया है और जनता ने ये भी बता दिया है कि वह झूठे वायदों व सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने में अब नहीं आने वाले हैं। और इस संबंध में मैं पहले ही ये कह चुकी हूँ कि बीजेपी सरकार के अब पूरे देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि सभी चुनावों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाने के साथ साथ शासन व प्रशासन की भी ताकत का भरपूर दुरुपयोग किया है, परंतु इसके बाद भी अब उनको अधिकांश मुँह की खानी पड़ रही है और इसलिए वे अपनी हार की खबरों को दबाने के लिए इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं कि मायावती ने अभी तक अपना सरकारी बंगला 13A Mall Avenue खाली नहीं किया और इस तरह की खबरों को चलवाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि शायद इससे लोगों का ध्यान उनकी इस जबरदस्त हुई हार से हट जाए। और अब मैं अंत में उत्तर प्रदेश में कैराना व नूरपुर के मतदाताओं को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बीजेपी द्वारा सभी हथकंडों को अपनाए जाने के बावजूद भी अपनी सूझबूझ से काम किया और बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त दी है, धन्यवाद। अब क्योंकि रात हो रही है तो और मुझे भी जाना है अपने प्राइवेट बंगले में, तो और अंधेरे में आपको ज़्यादा दिक्कत भी जाएगी तो इसलिए मैं ज़्यादा और अंधेरा नहीं होने देना चाहती, अभी लाइट है थोड़ा, तो आप लोग अंदर देखें, फोटोग्राफी वगैरह ले आप देख सकते हैं, अंदर देखें, संग्रहालय भी दिखाऊंगी, पूरा परिसर दिखाऊंगी जिसमें मान्यवर कांशीराम जी कक्ष है और जो मेरा है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।